वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आज हम अपना पेंडिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफेसर स्पॉनर टॉट मी टेक्निकल एरोडायनामिक्स। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन विद इमेंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन अ कंसंट्रेशन कैंप बाय द नाजीज। सिंस दैट horrific experience, he had developed a strong aversion to all Germans, even those who have not supported the Nazi party during the war. तो कह रहे हैं प्रोफेसर स्पॉन्डर, अब देखिए लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने छोड़ा था उसमें यह था कि एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर तीन टीचर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो उसमें से पहले टीचर के बारे में ही बता रहे हैं हमें, प्रोफेसर स्पॉन्डर है उनका नाम। तो वो क्या पढ़ाते थे उनको? टेक्निकल एरोडायनामिक्स ये उनको पढ़ाया करते थे वो, और वो ऑस्ट्रियन थे। ऑस्ट्रिया जो है कंट्री है यूरोप की, यानी यूरोपियन कंट्री है ये, और वो बहुत ही उनके उनका अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बेहतरीन कमांड थी उनकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वो कंसंट्रेशन कैंप में रखे गए थे नाजीज के जरिए। जब से उस खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद से उन्होंने जो है एक अपने अंदर ना एक अवर्जन, एक मतलब एक नापसंदीदगी डेवलप कर ली थी सभी जर्मन्स के लिए, क्योंकि जर्मन्स यानी कि जैसे जो होता ना हिटलर, हाँ हिटलर, तो हिटलर ने ही सबको कंसंट्रेशन कैंप में रखा था। हालांकि ये उन सभी को नापसंद करने लगे थे जो इस बात को फेवर करते थे या नहीं करते थे। सभी जर्मन्स के लिए उन्होंने एक अपना एक नापसंदीदगी अख्तियार कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर पांडे, ठीक है। अभी दूसरे वाले प्रोफेसर हैं इनके। taught me aerostructure design and analysis. He was a friendly and enthusiastic teacher. Professor Pandlai जो है वो क्या पढ़ाते थे उनको? aerostructure design analysis पढ़ाते थे, और वो एक friendly और enthusiastic teacher थे। friendly मतलब दोस्ताना व्यवहार रखते थे वो, और enthusiastic थे यानी energetic बहुत ज़्यादा थे, चीज़ों को बताने में बहुत interest लेते थे, और बच्चे भी बहुत interest लेते थे उनकी teaching में। Who brought a fresh approach to every teaching course? It was Professor Pandlai अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टू अस। तो कह रहे हैं प्रोफेसर पांडलाई जो है वो उन्होंने हमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बहुत सारे सीक्रेट्स बताए, और वो जब भी क्लास में आते थे हमेशा नए अप्रोच के साथ आते थे, नए टीचिंग कोर्स के साथ आते थे। आई बिलीव दैट एवरीवन हु हैज बीन टॉट बाय प्रोफेसर पांडलाई विल एग्री दैट ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी एंड स्कॉलरशिप विद नो ट्रेस ऑफ एरोगेंस। हिज स्टूडेंट्स वर फ्री टू डिसएग्री विद हिम इन क्लासरूम डिस्कशंस। कह रहे हैं कि मेरा ये विश्वास है कि वो सभी जो प्रोफेसर पांडलाई से पढ़े हैं वो इस बात पर ज़रूर एग्री करेंगे कि वो एक ऐसे इंसान थे जो कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी यानी उनके अंदर मतलब एक कंप्लीट शख्सियत थी वो, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन था, और साथ में वो स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि वो बेहतरीन स्कॉलर भी थे, मतलब अपने सब्जेक्ट के माहिर थे। उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं था, कोई घमंड नहीं था, और उनके स्टूडेंट्स इस बात के लिए फ्री थे कि अगर वो उनकी किसी बात से एग्री नहीं करते तो वो क्लास में ही डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिस्कशंस में सब कुछ अलाउ कर दिया करते थे वो। प्रोफेसर नरसिंह राव अभी थर्ड हैं। वॉज अ मैथमेटिशियन हु टॉट अस थियोरेटिकल एरोडायनामिक्स। आफ्टर अटेंडिंग हिज क्लासेस आई बिगेन टू प्रेफर मैथमेटिकल फिजिक्स टू एनी अदर सब्जेक्ट। प्रोफेसर नरसिंह राव जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उनको क्या पढ़ाया है? थियोरेटिकल एरोडायनामिक्स पढ़ाई है। उनकी क्लास अटेंड करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उन्होंने मैथमेटिकल फिजिक्स को प्रेफर करना यानी उसको ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और सभी के कंपैरिजन में, मतलब उनको इतना पसंद आने लगा था। इन लेटर ईयर्स आई हैव ऑफन बीन टोल्ड टू कैरी अ सर्जिकल नाइफ टू एरोनॉटिकल डिजाइन रिव्यूज। कह रहे हैं कि फिर कुछ बाद के सालों में मुझे अक्सर इस बात की सलाह दी जाती थी कि मैं एक सर्जिकल नाइफ लेकर आऊँ एरोनॉटिकल डिजाइन रिव्यूज बनाने के लिए, ठीक है। ये एक टूल होता होगा। इफ इट हैज नॉट बीन फॉर प्रोफेसर Rao's persistent advice on how to prove equations in aerodynamics, I would not have acquired this skill. तो कह रहे हैं कि अगर मिस्टर प्रोफेसर राव ने मुझे कंटिन्यू ये एडवाइस, ये सलाह ना दी होती कि मुझे कैसे इक्वेशंस प्रूव करनी है एरोडायनेमिक्स में, तो मैं शायद कभी भी ये स्किल प्राप्त ना कर पाता, कभी मैं इस स्किल को एक्वायर नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये इनके प्रोफेसर के इन्होंने डिस्कशन किया है इसमें कि इनका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है APJ अब्दुल कलाम की पर्सनैलिटी के ऊपर। Meanwhile, when I had finished my coursework, I was assigned a project to design a low-level attack aircraft along with four other students. कह रहे हैं कि इसी बीच जब मैं अपना कोर्स लगभग कंप्लीट हो ही रहा था मेरा कोर्स, तो हमें एक काम दिया गया था। क्या बनाना था उनको? लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाना था, ठीक है, जिसके अंदर चार लोग और थे इनके साथ में। आई वॉज पुट इन चार्ज ऑफ ड्रॉइंग इट्स एरोडायनामिक डिजाइन एंड माई टीममेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द अदर टास्क अमंग देमसेल्व्स।
कह रहे कि मुझे ही काम, मेरा ये काम था उसमें कि मुझे उसकी ड्राइंग बनानी पड़े, है ना, क्योंकि ड्राइंग बनेगी तभी उसकी बेस पर ही वो लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। तो उनको ड्राइंग का काम मिला, डिजाइनिंग वगैरह का, बाकी जो टीममेट्स थे उनके उन्होंने अपने काम खुद बांट लिया आपस में। प्रोफेसर श्रीनिवासन देन डायरेक्टर ऑफ MIT रिव्यूड माय वर्क एंड डिक्लेयर्ड डिसअपॉइंटमेंट। आई अफोर्डेड डजन एक्सक्यूजेस फॉर द सब स्टैंडर्ड वर्क बट नन ऑफ देम इंप्रेस प्रोफेसर श्रीनिवासन। तो कह रहे हैं कि उस टाइम प्रोफेसर श्रीनिवासन जो MIT के डायरेक्टर थे, जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना ऐसे, ऐसे वो वहाँ के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मेरा काम देखा और ये कहा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, मतलब इससे ये मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। तो मैंने उनको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए कि मतलब ये हुआ इस तरीके से, लेकिन उन्होंने कोई भी मेरी बात को नहीं माना और वो मेरी किसी बात से इंप्रेस नहीं हुए। आई फाइनली प्रेडिड फॉर अ मंथ्स टाइम टू कम्प्लीट द टास्क। द प्रोफेसर लुक्ड एट मी फॉर सम टाइम एंड सेड, टुडे इज फ्राइडे आफ्टरनून, आई कैन गिव यू 3 डेज टाइम, इफ आई डोंट गेट द कॉन्फिगरेशन ड्राइंग बाय मंडे योर स्कॉलरशिप विल बी रिवोक्ड। तो आखिरकार फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दें, मैं आपको काम कम्प्लीट करके दिखा दूंगा। लेकिन प्रोफेसर ने मुझे देखा थोड़ी देर तक चुपचाप देखते रहे और उसके बाद कहा कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे आफ्टरनून है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमने मंडे तक कॉन्फिगरेशन ड्राइंग सबमिट नहीं करवाई तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वो रोक दी जाएगी। आई वॉज डम्पस्टक, स्कॉलरशिप वॉज माई लाइफ लाइन, आई हैड टू फिनिश द टास्क इमीडिएटली। दैट होल लाइन आई सैट एट द ड्राइंग बोर्ड स्किपिंग डिनर, आई टुक एन आवर्स ब्रेक टू फ्रेशन अप एंड ईट अ लिटिल फूड द नेक्स्ट मॉर्निंग। कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा हो गया, इतना मतलब मैं चुप हो गया बिल्कुल, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 दिन के अंदर तो बनना पॉसिबल था नहीं वो, और अगर मैं ना बनाता तो मेरी स्कॉलरशिप रुक जाती और स्कॉलरशिप ही मेरी एक लाइफ लाइन थी, यानी स्कॉलरशिप के बेस पर ही मैं पढ़ पा रहा था, अगर स्कॉलरशिप रुक जाती तो फिर मेरी पढ़ाई भी रुक जाती। तो मुझे किसी भी तरह ये टास्क कंप्लीट करना था हर हाल में। तो उस पूरी रात में नहीं सोया, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग बनाने की कोशिश करता रहा, मैंने उस रात डिनर भी नहीं किया और मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया और थोड़ी देर के लिए फ्रेश हुआ और थोड़ा सा कुछ खाना खा लिया अगली सुबह को। ऑन संडे आई वॉज वेरी नियर टू कम्प्लीशन व्हेन आई हर्ड समवन एंटर माई रूम। कह रहे कि संडे सुबह में मैं लगभग उसको कंप्लीट करने की कगार पर ही था जब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे रूम में एंटर हो रहा है। इट वॉज प्रोफेसर श्रीनिवासन ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द क्लब, स्टिल इन हिज टेनिस क्लोथ्स, ही हैड ड्रॉप्ड इनटू सी माय प्रोग्रेस। तो मैंने देखा कि वो प्रोफेसर श्रीनिवासन ही थे, वो अपने क्लब से वापस आ रहे थे, वो अपने टेनिस क्लोथ्स में ही थे, यानी टेनिस क्लब से वापस आ रहे थे। तो वो देखने आए थे कि मैंने अब तक अपने प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस कर ली है। ही एग्जामिन्ड माय वर्क आफ्टर विच ही पैटेड माय बैक अफेक्शनेटली सेइंग आई न्यू आई वाज पुटिंग यू अंडर ग्रेट प्रेशर विद दैट इम्पॉसिबल डेडलाइन एंड ऑनेस्टली आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू परफॉर्म सो वेल। तो उन्होंने मेरा जो काम था उसको एग्जामिन किया, देखा उसको, उसके बाद उन्होंने मेरी कमर थपथपाई और बहुत प्यार से कमर थपथपाई और कहा कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काम इतने कम दिनों में होना पॉसिबल था ही नहीं, ये एक इम्पॉसिबल डेडलाइन थी, और सच बताऊँ तो मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इतना कर भी लोगे इसको। तो यानी कि ये उनका काम कम्प्लीट हो, लगभग कम्प्लीट होने की कगार पर था क्योंकि मंडे को सबमिट करना था, तो ये काम उन्होंने एटलीस्ट कर लिया। द मोस्ट चेरिश मेमोरी फ्रॉम कॉलेज हाउएवर इज रिलेटेड टू प्रोफेसर फाउंडर। At the end of the final year, we were posing for a class photograph which was part of the farewell ritual. All the graduating students had lined up in 3 rows with the professor seated in the front. Suddenly, Professor Sponda got up and looked for me. I was standing in the 3rd row. तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा cherished memory यानी जो बहुत ही अच्छी सी एक याद है जिसको मैं भुलाना नहीं चाहता, वो एक ऐसी याद है मेरे जहन में कॉलेज की। क्या हुआ था कि प्रोफेसर स्पॉन्डर जो हैं उनकी मतलब उनकी बात है, वो क्या बात है, तो जब फाइनल ईयर चल रहा था तो हम सब एक क्लास फोटोग्राफ के लिए पोज कर रहे थे और वो हमारे यहाँ पर मतलब ऐसा था कि वो फेयरवेल एक रिचुअल था, एक तरीके से एक रसम थी कि हर साल ऐसा होता था जब भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जाते थे, तो सभी जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे वो सब लाइन बनी हुई थी, 3 लाइन्स थी वहाँ पर प्रोफेसर के साथ और कुछ बच्चे आगे बैठे हुए थे प्रोफेसर के साथ। तो सर अचानक से प्रोफेसर स्पॉन्डर उठे और पीछे देखने लगे मुझे और मैं 3rd रो में खड़ा हुआ था। कम एंड सीट विद मी इन द फ्रंट, ही सैड, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, आई बिलीव योर वर्क विल हेल्प यू हीप ऑनर ऑन योर टीचर्स। तो उन्होंने मुझसे मतलब मुझे देख रहे थे वो, उन्होंने मुझसे कहा आओ आगे आकर बैठो, ठीक है, और ये भी कहा कि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारा काम जो है तुम्हारे टीचर्स के लिए फ़ख्र का बाइस बनेगा। I was taken aback, embarrassed by the praise, but honored by the recognition. I moved forward slowly and sat with Professor Sponda for the photograph. तो मुझे पीछे से आगे लाया गया, मेरी सब बच्चे ने मुझे जगह दे दी, मैं आगे आ गया, लेकिन मैं अपने तरफ से थोड़ा सा शर्मा रहा था लेकिन बहुत इस बात पर फख्र भी महसूस कर रहा था कि मुझे इतनी सारी भीड़ में उन्होंने पहचाना। और फिर मैं धीरे से आगे आकर बैठ गया प्रोफेसर स्पॉन्डर के साथ फोटोग्राफ के लिए।
तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, आई होप आपको समझ आया होगा। काम मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, अब आपको क्या करना है, इसके वर्ड्स मैंने कहीं मैंने दे दिया आपको, वही इंग्लिश टू इंग्लिश टू हिंदी लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, क्वेश्चन फर्स्ट आपको करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपको बुक में ही करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे ट्रू, ठीक है, जो फॉल्स है यानी रॉन्ग है उसके आगे एफ, और कोई अगर ऐसी बात है जो इस चैप्टर में गिवन नहीं है तो उसके आगे आप लिख दीजिएगा नॉट गिवन एन जी, ठीक है, ये आपको करना है। तो इसमें आपको सिर्फ दो ही स्टेटमेंट ऐसी हैं जो नॉट गिवन है लेसन में, तो ये है फिफ्थ एंड सेवन्थ। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको, इसको अभी डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन फोर्थ कट कर दीजिएगा, उसके बाद वर्ड स्टडी में आ जाइए। वर्ड स्टडी के अंदर आप यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रामर कॉपी में, फॉर्मिंग वर्ब्स फ्रॉम नाउंस। उसके बाद एक्सरसाइज देखिए जरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन कट कर दीजिए, सेकंड में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ब्स फ्रॉम द नाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सफिक्सेस एज स्टेटेड इन द एग्जांपल्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नाउन से वर्ब बनाने हैं, ठीक है, और वर्ब कैसे बनाने हैं, कुछ सफिक्स लगा करके। सफिक्सेस यहाँ दे रखे हैं इन्होंने, देखिए आई एस ई आई एफ वाई ए टी ई ओ आर ई एल, जो भी सूटेबल है वो आपको लगाने हैं। जैसे देखिए फर्स्ट देखते हैं, टू ऐड टू द ब्यूटी ऑफ अ प्लेस इज टू ब्यूटीफाई इट। तो ब्यूटी क्या है, नाउन है, खूबसूरत है ना, और ब्यूटीफाई मतलब खूबसूरत बनाना, तो ये वर्ब हो गया। ऐसे ये है, द टेलीफोन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो कम्युनिकेट के अंदर हमने क्या लगाया है, ए टी ई लगाया है, ठीक है। इफ यू गिव समवन अ फ्राइट यू फ्राइटन हिम। क्लासिफिकेशन इज अडॉप्टेड इन द लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट। दो हेज मेक्स वेस्ट वी नीड टू हैस्टन प्रोसीजर्स एट टाइम्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अ नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वर्ब्स दे रखे हैं, आपको इनकी नाउन फॉर्म्स लिखनी है यहाँ पर ब्लैंक्स में। जैसे हिज यहाँ पर फेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, हिज फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सरप्राइज मी, ठीक है। हिज रिफ्यूजल द रॉबरी ही कंसिडर्ड माई डिसीजन Do you know what caused his dismission? तो ये सभी जो है ये नाउन्स हैं, यहाँ पर वर्ब्स है, वर्ब्स हमने नाउन फॉर्म किए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स ऑफ मूवमेंट। देर आर वर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड इन इंग्लिश, सम टेल्स अस अबाउट पोजिशंस लाइक ऑन अप अबव, मोस्टली प्रीपोजिशंस। सम वर्ब्स डिनोट एक्शन थ्रू मूवमेंट, अदर्स डिस्क्राइब थिंकिंग लाइक इमेजिन कंसीव प्लान एंड सो ऑन। सिमिलरली देर आर मूवमेंट वर्ड्स विच एक्सक्लूसिवली सजेस्ट एक्शन। अभी आपको बता रहे हैं कि वर्ड्स ऑफ मूवमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है, खास करके फिजिकल मूवमेंट, जैसे जर्क, स्लाइड, हैंग, एक्सपेंड, इरप्ट, ड्रॉप, क्रैश, शेक, क्लाइंब, वर्ल, सिंक, वेव, स्लाइस एंड सो ऑन, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम मूवमेंट को शो करते हैं। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन द मूवमेंट वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर आपको वर्ड्स मतलब सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें जो मूवमेंट वाले वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। जैसे देखिए, द टेस्ट वाज एडवांस्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट, माई न्यू कॉटन शर्ट इज श्रिंकिंग श्रिंकिंग आफ्टर एवरी सिंगल वॉश। तो इसमें श्रिंकिंग है। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स आर सोरिंग, सोरिंग मतलब बढ़ना ड्यू टू इन्फ्लेशन। Tom jumped off the building into the lake below. तो jumped off आ गया। He danced into the room to announce the news of his promotion. तो danced और announced. तो ये आपको सब ग्रामर की कॉपी में करना है। सेकेंड में इसी के सेकेंड में देखिए, यहाँ पर फ्लाई है, तो ये भी क्या है, फिजिकल मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मैच कर दिया इसको, स्नोबोर्ड से इसको मैच कर दिया, राइड अ बाइक से, स्केट से और जंप से। तो ये भी आपको कॉपी में करना है, यानी यहाँ तक का काम आपको पूरा ग्रामर की कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। आप जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज कलाम्स रिकॉर्ड इन एग्जामिनेशंस बिफोर ही ज्वाइंड इंटरमीडिएट कोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, सेकंड लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेड्स, ठीक है। तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है
लेकिन ये आई काट कर यहाँ पर ही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा आंसर, ही वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेड्स। तो सेकंड देखिए, व्हाट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिड कलाम ऑप्ट फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडीज। कौन सी ब्रांच ली थी उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो ये आपको पता ही होगा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है ना। तो आप इस तरह लिखिएगा, कलाम ऑप्टेड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडीज, ठीक है। क्वेश्चन से आंसर निकालना है, आपको दो वर्ड का आंसर लिखना है बस। उसके बाद थर्ड देखिए, डिस्क्राइब प्रोफेसर पांडलाई एंड हिज वर्क ब्रीफली। प्रोफेसर पांडलाई के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और उनके काम को थोड़ा सा ब्रीफली बताना है उनके काम के बारे में। यहाँ देखिए पेज नंबर 103 पर इस वाले पैराग्राफ में आ जाइए, फोर्थ पैराग्राफ में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका हम आंसर। प्रोफेसर पांडलाई टॉट मी, यहाँ से लेकर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एवरी टीचिंग कोर्स, एक तो ये हो गया। उसके बाद दो लाइन छोड़कर यहाँ पर है ही वॉज अ मैन ऑफ, यहाँ से और पूरा डिस्कशंस तक, ठीक है। ये आपका आंसर थ्री है, इस तरह लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखिएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन फोर देखिए, व्हाट स्किल डिड कलाम एक्वायर फ्रॉम प्रोफेसर नरसिंह राव। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कलाम एक्वायर्ड द स्किल ऑफ प्रूविंग इक्वेशंस इन एरोडायनेमिक्स, ठीक है। कलाम ने कौन सी स्किल एक्वायर की थी कि इक्वेशंस किस तरह प्रूव करनी एरोडायनेमिक्स में, वो किसी की थी, प्रोफेसर नरसिंह राव से। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, प्रोफेसर श्रीनिवासन गेव कलाम अ टफ डेडलाइन, व्हाट वॉज इट अबाउट। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उनको एक टफ डेडलाइन दी थी, वो किस चीज के लिए थी, उसका आंसर भी मैंने यहीं पर ही लिखा है। देखिए जरा, इट वॉज अबाउट द कन्फिग्रेशन ड्राइंग ऑफ अ लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट, ठीक है। वो किसके बारे में थी, एक कन्फिग्रेशन ड्राइंग के बारे में थी, जो किस चीज की ड्राइंग थी, लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट की ड्राइंग थी, ठीक है। उसके बाद सिक्स देखिए, व्हाट डिड प्रोफेसर स्पॉन्डस से टू कलाम ड्यूरिंग द क्लास फेयरवेल। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा, प्रोफेसर स्पॉन्डस सेड टू कलाम ड्यूरिंग द क्लास फेयरवेल। तो यहां से लिखिएगा कम, कम से लेकर पूरा टीचर्स तक, कम एंड सिट विद मी इन द फ्रंट ही सेड, ये पूरा कंप्लीट यहां से लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अध्यापक मैंने आपको बता दिया, ग्रामर का काम बता दिया, क्वेश्चन आंसर का काम बता दिया, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।